हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास में बात करेंगे आइडियलिज्म के बारे में। आइडियलिज्म जो है कैसी फिलॉसफी है, किस पे बिलीव करता है, कैसी एजुकेशन पे बिलीव करता है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कॉम्पिटिशन एग्जाम के बिहा पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन जो है जरूर फिलॉसफी के अंडर आते हैं। कोई भी फिलॉसफी, मैं स्पेसिफिक ये नहीं कह रही आइडियलिज्म पे ही आते हैं, किसी भी फिलॉसफी को जो है ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जो है दो से तीन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, ध्यान से चीज़ें को समझिएगा। अगर किसी तरीके की क्वारीज हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं उसको ज़रूर दूर करूंगी। और पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। सबसे पहले हम फिलॉसफी के बारे में जान लेते हैं कि फिलॉसफी किस चीज़ पे बिलीव करती है। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म जो फिलॉसफी है एशियन वेस्टर्न साइड की है, और दूसरा जो आइडियलिज्म के जो स्कूल हैं वो कंसीडर करते हैं कि सबसे पहले बिलीव करते हैं कि गॉड द्वारा जो है ये यूनिवर्स क्रिएट किया गया है। उसके बाद स्पिरिचुअल वर्ड यानी आत्मा पे वो लोग बिलीव करते हैं, मटेरियल वर्ड पे वो इतना बिलीव नहीं करते हैं। उनका मानना है कि स्पिरिचुअल जो वर्ड है वो जो है ज़्यादा सुपीरियर है मटेरियल वर्ड से, या जो मटेरियल वर्ड है ये हमारे जो वर्ड है, हमारा जो सजीव और निर्जीव जीवों से बना है उसके लिए बात की गई है कि मटेरियल वर्ड से जो है ज़्यादा सुपीरियर हमारी आत्मा जो वर्ड है वो ज़्यादा सुपीरियर है। और साथ ही साथ आइडियलिज्म जो फिलॉसफी है वो मानती है कि जो आत्मा है या जो सॉयल है वो एक गॉड का पार्ट है, और उसको पाने के लिए जो है मॉरल वैल्यू जो है वो बहुत ज़रूरी है। मॉरल वैल्यू द्वारा जो है ह्यूमन उसको पा सकता है, गॉड को पा सकता है, अपनी सोल को जो है कह सकते हैं सोल के द्वारा जो है आत्मा तक, आत्मा से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। जो बात की जाती है आत्मा से परमात्मा का तक पहुंचने का, वो उस चीज पे बिलीव करता है। आइडियलिज्म की जो शुरुआत है वो प्लेटो द्वारा की गई थी। प्लेटो का बिलीव था कि वो गॉड पे बिलीव करते थे, स्पिरिचुअल वर्ड पे बिलीव करते थे, और साथ ही वो सोल पे यानी आत्मा पे बिलीव करते थे, और मानते थे कि अगर आत्मा जो है सही है, स्वच्छ है, तो गॉड तक पहुंचना जो है आसान है। तो इसलिए जो है कहते हैं कि प्लेटो द्वारा ही आइडियलिज्म की शुरुआत हुई। इसके बाद बहुत सारे स्कॉलर हुए, बहुत सारे फिलोसफर हुए जो आइडियलिज्म पर बिलीव करते थे। यहाँ पे जो कह सकते हैं स्क्रेट्स, कैंट, एम के गांधी भी जो है वो आइडियलिज्म पे बिलीव करते थे, हेगल, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, अरविंदो घोष, ग्रेन, राधा कृष्णा, फेचे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रेकलिफ, फ्रॉबेल, स्पेनोजा, और लास्ट जो है डिस्क्रेट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे हुए, ये जो है फेमस रहे इंडिया में और बाहर वेस्टर्न में, के जिन्होंने आइडियलिज्म का प्रचार किया और उसे आगे बढ़ाया। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं, और जेस रोस का मानना है कि आइडियलिज्म जो है फिलॉसफी जो है कई फॉर्म के अंदर जो है आई, लेकिन सभी का मानना जो है ये है कि माइंड और स्पिरिट जो वर्ड है, स्पिरिचुअल वर्ड है, वो रियल है, वो रियलिटी है, ट्रू है। और डीएम दत्त का मानना है कि आइडियलिज्म जो है वो बिलीव करता है रियलिटी इज स्पिरिचुअल, जो भी सच है वो स्पिरिचुअल सच है और कुछ भी सच नहीं है। नेक्स्ट हम आइडियलिज्म फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हुए उसके प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं। प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल है कि आइडियलिज्म के जितने भी फिलॉसफर हैं
वो मानते हैं कि जो हमारा संसार है दो भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला स्पिरिचुअल वर्ल्ड और दूसरा है मेंटल वर्ल्ड। और सभी का मानना है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या उससे कह सकते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या ज़्यादा उसको महत्व देते हैं। मेटीरियल वर्ल्ड को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। उनका मानना है कि जो सच है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो मेटीरियल वर्ल्ड है वो क्षण भर में ख़त्म होने वाला है, जो मेन हमारा है, हमें जो आत्मा जैसे कह सकते हैं कभी कभी मरती नहीं है, उस पे बिलीव करते थे। और यहाँ पर जो है मटेरियल जो वर्ल्ड है हमारा वो नष्ट होने वाला वर्ल्ड मानते थे, तो इसलिए ज़्यादा बिलीव वो स्पिरिचुअल पे करते थे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि उनका मानना था कि वो दो वर्ल्ड पे बिलीव करते थे, कौन से, स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को। आइडियलिज्म जो फिलोसोफर थे वो बिलीव करते थे कि आइडियलिज्म जो है उसमें आइडियाज़ की जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बजाय कि रदर देन ऑब्जेक्ट के, वो आइडियाज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे। उनका मानना था कि आइडियाज़ जो हमारे आते हैं या हम लोग हमारे जो विचार हैं उसके द्वारा ही हम अपने माइंड पर जो है कंट्रोल कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि नॉलेज गेन कर सकते हैं, सॉल के बारे में हम जान सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे जितनी इम्पोर्टेंस वो आइडियाज़ या विचारों को देते थे। फिलोसोफर द्वारा जो है मेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई और नेचर को कम दी गई। थर्ड जो है प्रिंसिपल ये कहता है, और ये इसलिए जो है फिलोसोफर ने मैन को दी क्योंकि उनका मानना था कि जो मैन है उसके पास इंटेलिजेंस है, वो सोचने समझने की शक्ति रखता है, चीज़ों को तुलना करने की शक्ति रखता है, जो जैसा है उसे एक्सेप्ट नहीं करता, सही गलत में विचार करने की शक्ति रखता है। तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। वो फिलोसोफर का मानना था कि ये एनिमल्स की तरह मैन जो है इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं रहता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंस मैन को दी जाती थी आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग, जो नेचर को कम दी जाती थी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यू। यहाँ जो स्पिरिचुअल वैल्यू पे फेथ करते थे, और उनका मानना था फिलोसोफर का कि जो सच है, अंदर की हमारी ब्यूटी है, गॉडनेस है, वही हमारी स्पिरिचुअल वैल्यू है, और इस स्पिरिचुअल वैल्यू द्वारा ही गॉड तक पहुँचा जा सकता है। तो इसलिए उनका जो मानना था स्पिरिचुअल वैल्यू पे था, उस पे बिलीव करते थे कि अगर गॉड को पाना है तो आपको स्पिरिचुअल वैल्यू पे बिलीव करना होगा, उन्हें अपने अंदर डेवलप करना होगा, तो उस पे जो ज़्यादा फोकस उनका रहता था।
नेक्स्ट प्रिंसिपल है इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहाँ पर जो आइडियलिज्म फिलोसफर थे उनका मानना था कि अपनी पर्सनैलिटी को जो है इम्पोर्टेंस देते थे, उसको डेवलप करने की इम्पोर्टेंस देते थे कि अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी, इन्हेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात उनकी आती थी तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर उनको जो बात थी उनकी उस सॉइल की थी कि उनकी जो आत्मा है उसको जो है साफ करना, उस अपने जो अभी स्पिरिचुअल वैल्यू है उसको पाना, उसी से ही इनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता था कि जो नॉलेज गेन करना सॉइल के बारे में, उसकी नॉलेज गेन करना क्या है आत्मा परमात्मा क्या है और क्या ये चाहते हैं, कैसे उसको पाया जा सकता है, उसको पाने के लिए जो हमारी स्पिरिचुअल वैल्यू है उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, उसको इन्हेंस किया जाए और उसको अपने अंदर ढाला जाए और ढाल के उसकी जो अपनी पर्सनैलिटी है उसको डेवलप किया जाए। यानी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट देते थे, फोकस करते थे, लेकिन इस पर्सनैलिटी को डेवलप करने का रीज़न जो था उनका यही था कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करके स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को पाना और स्पिरिचुअल वैल्यू तक गॉड तक पहुँचना। नेक्स्ट आइडियलिज्म फिलॉसफी का प्रिंसिपल है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है पूरी तरीके से फिजिकल और स्पिरिचुअल पावर्स पर डिपेंड है। सही बात है कि जब हमारा फिजिकल जो है और हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, हमारा मन शांत नहीं होगा और हमारा फिजिकल ठीक नहीं होगा, तब तक ह्यूमन का या हमारा पूरा डेवलपमेंट फुल डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट पूरी तरीके से फिजिकल और स्पिरिचुअल पावर पर डिपेंड है। इसके बाद जो है प्रिंसिपल आता है कि हमारा एम क्या है, या आइडियलिज्म का मानना है कि ह्यूमन का एम है गॉड तक पहुंचना। गॉड तक पहुंचने के लिए वो सब कुछ करना चाहिए जो हम गॉड तक पहुंच सकते हैं। मेन अभी जो प्रिंसिपल हमने पहले भी मैंने बात की, तो गॉड तक पहुंचने के लिए स्पिरिचुअल वैल्यूज को अपनाना जो है वो है। तो मेन जो एम है वो है गॉड तक पहुंचना। उस पहुंचने के लिए हमारी स्पिरिचुअल वैल्यूज को जो है अपनी लाइफ में ढालना जो है आइडियलिज्म फिलोसफर इस चीज पे बिलीव करते थे। आइडियलिज्म जो फिलोसफर हैं उनका गॉड पे बहुत बिलीव है, स्पिरिचुअल वैल्यूज पे बहुत बिलीव है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे बहुत बिलीव है। तो इसलिए उनका जो एजुकेशन एम है उनका मानना है कि ऐसा होना चाहिए जिसमें ह्यूमन का स्पिरिचुअलिज्म डेवलप हो, वो गॉड तक पहुंच सके। एक जो ह्यूमन का एक बेसिक एम है वो एक ही एम होना चाहिए, गॉड तक पहुंचना, तो वो एजुकेशन से जो है वो पूरा हो सके। उसके बाद जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हमारी हमारा जो डेवलपमेंट है वो आगे ट्रांसमिशन किया जाए, आगे जो हमारी जनरेशन है उसमें ट्रांसमिशन होना चाहिए। गॉड तक जब पहुंचना हमारा ह्यूमन का एक एम है, वो एजुकेशन से डेवलप होना चाहिए। तो उस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है सच्चाई का, ट्रूथ, जो अंदर की ब्यूटी है, वो आत्मा की जो सफाई है, वो भी एजुकेशन से ही डेवलप होना चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट वो एजुकेशन का एम होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वो जो है एजुकेशन का एम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म फिलॉसफी एजुकेशन का करिकुलम इस तरीके का होना चाहिए जिससे ह्यूमन का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, साथ ही साथ उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये करिकुलम रेडी किया गया है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़, मेंटली, लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, साइंस जैसे सब्जेक्ट होते हैं, और मॉरल एक्टिविटी करवाने के लिए थियोलॉजी, एथिक्स, स्पिरिचुअल टॉपिक्स जो है होते हैं। इसके अलावा बच्चों को उनकी क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए, उनके स्पिरिचुअल्स को डेवलप करने के लिए
आर्ट और म्यूजिक जो है वो करिकुलम के अंदर डाला गया है। कुछ मेथड हैं जो टीचिंग मेथड हैं जो आइडियलिज्म बिलीव करता है कि जो एजुकेशन है उसको पाने के लिए इन मेथड का अगर यूज़ किया जाए तो उनके एजुकेशन के एम तक पहुंचना इजी होगा, बच्चों को एजुकेशन देना इजी होगा। तो यहाँ पर जो है कुछ मेथड है जो डेवलप ही किए गए हैं, इंस्ट्रक्शन मेथड जो हार्पर द्वारा डेवलप किया गया है जो आइडियलिज्म पर बिलीव करते थे, कन्वर्सेशन मेथड जो प्लेटो द्वारा किया गया है, लॉजिकल मेथड, आपका प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन मेथड, प्लेवे मेथड, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, क्वेश्चन मेथड, आपका डिडक्टिव मेथड और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड। ये सब टेक्निक जो हैं जो टीचिंग मेथड हैं जो उसका यूज़ करके एजुकेशन को बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है, या कह सकते हैं ह्यूमन जो है इन मेथड का यूज़ करते हुए एजुकेशन के एम तक इजी से पहुंच सकता है। आइडियलिज्म डिसिप्लिन पे बिलीव करता है, लेकिन ये डिसिप्लिन जो है वो इनर होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। बाहर के जो डिसिप्लिन होता है, दूसरों द्वारा जो है डिसिप्लिन होता है उसको वो इग्नोर मारता है, फ्रीडम देने की बात करता है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड बच्चों को करता है, यानी बच्चे को सही गलत की समझ बताता है, सही चीज़ें बताने पे बिलीव करता है ताकि ह्यूमन जो है अपने आप से अपने आप को डिसिप्लिन कर सके, अपने अंदर से ही डिसिप्लिन लाए कि हमें ये चीज़ें करनी है, इस टाइम तक करनी है, ऐसे करनी है। तो बाहरी जो है डिसिप्लिन को अवॉइड करता है और इनर जो डिसिप्लिन पर है उस पर फोकस करता है। नेक्स्ट आते हैं कि अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म टीचर कैसा होना चाहिए। टीचर का बहुत बड़ा रोल है आइडियलिज्म के अंदर। उनका मानना है कि टीचर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं गौर तक पहुंचने के लिए। उनका मानना है कि गौर तक जो है एक टीचर द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, टीचर द्वारा ही बच्चों के अंदर या ह्यूमन के अंदर मॉरल वैल्यूज डेवलप की जाती हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज डेवलप की जाती हैं। वो जो एजुकेशन का सही प्रोसेस है या कह सकते हैं एजुकेशन लेने का एक सेंटर है टीचर। और इंडियन के अंदर जो है, इंडियन आइडियलिज्म के अंदर जो है, उनको जो टीचर्स हैं उनको तीन गॉड के अंदर कंसीडर किया गया है, त्रिदेव के अंदर कंसीडर किया गया है। साथ ही जब इतनी वैल्यू दी गई है टीचर को, तो आइडियलिज्म का ये भी मानना है कि एक टीचर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर खुद उसके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज डेवलप हो, मॉरल वैल्यूज डेवलपमेंट हो, यानी फुल डेवलपमेंट उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को उसके अंदर जो है मॉरल वैल्यूज स्पिरिचुअल वैल्यूज डेवलप कर पाए। जब उसके अंदर ही नहीं होगा तो वो ह्यूमन बाकी बच्चों में या ह्यूमन में किस तरीके से डेवलप करेगा, तो इसलिए उसके अंदर भी ये वैल्यूज होनी ज़रूरी है। लास्ट पढ़ते हैं स्कूल की ओर, और स्कूल कैसा होना चाहिए आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग। उनका मानना है कि स्कूल जो है रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, इफेक्टिव एजुकेशन जहाँ पे मिलनी चाहिए ऐसा होना चाहिए। एजुकेशन के जो एम है वो सारे पूरे होने चाहिए, वो वहाँ जाके ऐसा स्कूल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चा जॉयफुल एक्टिविटी कर सके, उसको पीस मिले और उसका इनर जो है इनर डेवलपमेंट जो है डेवलप हो सके, उनसे स्पिरिचुअल वैल्यूज डेवलप हो चुके, उसकी मॉरल वैल्यू डेवलप हो सके, वहाँ पे जाकर अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सके। और वो टीचर जो है वो आइडियल टीचर होना चाहिए, ऐसा आइडियल टीचर जो एजुकेशन के सारे एम को पूरा करता हो, ऐसा टीचर होना चाहिए जो बच्चों को एजुकेशन के एम तक पहुंचा सके, यानी एम क्या है गोर तक पहुंचना। तो एक ऐसा टीचर वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, एक आइडियल टीचर जो बच्चों को गोर तक पहुंचाने का काम कर सके। तो ऐसा स्कूल
बच्चों के लिए होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म फिलॉसफी, फिलॉसफर का मानना है। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर किसी तरीके की आपकी कोई क्वेरीज है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जल्दी उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस पर भी मैं जल्दी से काम करके आपके सामने लेकर आऊँगी। और जाने से पहले वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। और साथ ही साथ और इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, शुक्रिया। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।